हेलो हेलो चलिए सर, स्टार्टिंग करते हैं फिर, है ना। और आज जो टॉपिक चलेगा रीजनिंग का, कौन सा चलेगा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, रीजनिंग का तीसरा टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तीसरा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का, कोडिंग और डिकोडिंग। आप कॉपियां बंद कर लो, आराम से समझना ही समझना है अभी तो, कि टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? सारी चीज़ें समझने के बाद फिर अपन आगे चलेंगे, क्लियर है? चलिए करें स्टार्टिंग फिर। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग, इसके जो अन्य नाम है ना हिंदी में, अन्य नाम आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कूट लेखन, कूट वाचन, कूटीकरण, अकूटीकरण, संकेतबद्धता, असंकेतबद्धता। ठीक है, इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग, कूटीकरण, अकूटीकरण, संकेतबद्धता, असंकेतबद्धता। ठीक है, इसके अलावा कूट लेखन, कूट वाचन, और भी कई सारे नाम हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या? कोडिंग और डिकोडिंग। अब अपन बात करेंगे कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, और ये पूरा टॉपिक ही क्या है। तो सुनिए, पहले ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले यदि हम बात करें डेफिनेशन की, उससे पहले समझना कोडिंग डिकोडिंग है क्या, पहले समझ लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखा देंगे, है ना। कोडिंग रिकॉर्डिंग बातचीत करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। क्लियर? यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। कोई डाउट यहां तक? अब सुनिए, वास्तव में कोडिंग डिकोडिंग है क्या। कोडिंग जो है वो तो कहलाती है अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया, डिकोडिंग अर्थविहीन से वापस अर्थपूर्ण बनाना। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, आप सबके उपनाम होंगे, घर में किसी और नाम से बुलाते होंगे, यार दोस्त कोई और नाम रखते होंगे, रखते नहीं रखते? अरे हाँ या ना। कहने का मतलब, अगर शुद्ध भाषा में अपन बात करें, चेंक, जिससे आदमी चिढ़ता है, हर किसी की होती है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है मेरी नहीं है, सबकी है। किसी की छिपकली है, किसी की चुईया है, किसी की भिंडी है, चेंटी है, सबकी होती है पर्टिकुलर, है ना, लाला रूपा। तो इस, अब देखो मैंने कहा रूपा, अब जिससे कहा उसको पता है कि सर ने मुझसे कहा है रूपा, मुझे पता है मैंने उससे रूपा कहा है, क्या आप में से किसी को पता चला? यही है कोडिंग। पहले अपन बात करते थे किसी टाइम पे कि भाई, एक पहले समय में मानव जो है वो संकेतों से बात करता था। कैसे? इशारों से। इशारों के बाद आपने देखा होगा एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, चित्र बने हुए हैं आग जलाने के, है ना, भाला लेके आदमी शिकार कर रहा है चित्र। तो पहले एक संकेतों के हिसाब से बात होती थी, चित्रलिपि। कौन सी लिपि? चित्रलिपि, चित्रों के आधार पर। फिर भाषा आई, भाषा के आधार पर बातचीत करने लग गए। अब उसी भाषा का गुप्त रूप से प्रयोग यदि किया जाता है वो कहलाती है कोडिंग और डिकोडिंग। जैसे मान लो नवीन खाना खा रहा है, आप सब जानते हो नवीन को, नवीन खाना खा रहा है, नवीन के पापा हैं, मम्मी हैं, नवीन है, बहन है, पूरा फैमिली बैठ के खाना खा रही है। अचानक नवीन का फोन बजता है, बजा, नवीन ने फोन देखा और काट के रख दिया। अब दोबारा फोन बजा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग क्या है। अरे बात समझ में आ रही है? नवीन का दोबारा फोन बजा, दोबारा नवीन ने काट के रख दिया। अब नवीन की मम्मी बोली, नवीन किसका फोन है रे? कुछ नहीं मम्मी, दोस्त का फोन है। अब तीसरी बार फोन आया,
अब सब खाना छोड़ के इसकी तरफ देख रहे हैं, नवीन की तरफ, मम्मी पापा बहन सब। अब नवीन ने मजबूरी में फोन उठा लिया, उठाना तो पड़ेगा, उठाया। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वहीं वहीं रख दिया। अब एक बात बताना, नवीन ने बात की, अदर जो फोन पे था उसने बात की, दोनों की बात हो गई, क्या किसी और को कुछ समझ में आया क्या? यही है कोडिंग। कहाँ मिलना है? वहीं। उसको पता है वहीं कहाँ है, है ना? वहीं कहाँ है उसको पता है। बाकी किसी को कुछ समझ में आया? नहीं आया। ये है कोडिंग। कहने का मतलब, कोडिंग डिकोडिंग बातचीत करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना या संदेश क्या है। अच्छा, एक उरी पे अटैक हुआ था, एक और बताता हूं उदाहरण ताकि आपके दिमाग में बैठे चीजें। उरी में अटैक हुआ था, उरी में अटैक। अब उरी में जब अटैक हुआ था तो आतंकवादियों ने सोते हुए फौजियों का जो कैंप था उस पर अटैक किया था। लगभग 2:30 बजे की बात है, रात की, सो रहे थे, सोते हुए लोगों को गोली मारी थी। जब उन आतंकवादियों को मार गिराया गया तो उनके पास से जो बैग था, उस बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। उन डॉक्यूमेंटों का बाद में एनालिसिस किया गया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे हॉस्पिटल, जैसे डॉक्टर, जैसे एक्सरे, है ना, और जैसे मेडिसिन, दवाइयां। ऐसे कई वर्ड थे जो यूज में लिए गए थे। बाद में जब भारत सरकार द्वारा इन वर्णों को डिकोड किया गया, क्या किया गया? डिकोड, मतलब ये कोई कोड थे, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो पाकिस्तान में, बात तो हो रही थी मोबाइल से। अब ज्यादातर कॉल रिकॉर्ड होती हैं, जब बाहर अदर कंट्री में कॉल जा रही है तो रिकॉर्ड होती हैं। अब वहां पे वो बात कर रहे थे कोड लैंग्वेज में, वही थी कोडिंग रिकॉर्डिंग। हम बहुत छोटे स्तर पर पढ़ेंगे इसे, बाकी बहुत ब्रॉड लेवल है इसका। अब वहां वो लोग बात कर रहे थे, हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल का मतलब था आर्मी कैंप से, हॉस्पिटल का मतलब किससे था? आर्मी कैंप से। इसका मतलब हॉस्पिटल के लिए उन्होंने एक कोड का प्रयोग किया, कोड क्या है? अब इधर वाला बंदा समझ रहा है आर्मी कैंप का हॉस्पिटल का मतलब क्या है, उधर वाला समझ रहा है हॉस्पिटल का मतलब क्या है। किसी और को बताया क्या? मान लो कोई अगर उनकी बात है सुन रहा और वो कह रहा है कि सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और यहां पर डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिला है, तो किसी और को समझ में आ रही है क्या बात, जबकि उनकी समझ में आ रही है? तो हॉस्पिटल का मतलब क्या है? आर्मी कैंप। डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्टर का मतलब था यहां आर्मी के ऑफिसर से, ठीक है, आर्मी के ऑफिसर से मतलब था। एक्सरे, एक्सरे का मतलब था बंदूकों से, है ना, बंदूक। दवाइयों का मतलब था गोलियों से, गोलियां, है ना। तो अलग अलग चीज के लिए उन्होंने पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया, और यही काम करना तो कहलाता है कोडिंग। जैसे मान लो आपकी घर पे कोई स्पेशल नाम है अलग से, जो घर वालों को पता है, यार दोस्तों को पता है, सबको पता है क्या? अभी मैंने यहां पे खड़े होकर कहा भिंडी, चुप। अब ये भिंडी को पता है, मुझे पता है, मैं भिंडी से कह रहा हूं, भिंडी को पता है, सर मुझसे कह रहे हैं, किसी और को पता चला आप लोगों को? मैंने किसी से कहा छिपकली, छिपकली को पता है, सर मुझसे कह रहे हैं, मुझे पता है, मैं छिपकली से कह रहा हूं, क्या किसी और को पता चला? तो ये बातचीत कैसे रूप से हो रही है? गुप्त रूप से, ठीक है। यही कहलाती है कोडिंग और डिकोडिंग। कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग है क्या, तो वो अगर अपन बात करें तो अपन परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि बातचीत, बातचीत करने की ऐसी प्रणाली, प्रणाली जिसमें जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। बात समझ में आई? कोडिंग डिकोडिंग क्या है? किसी भी चीज का कोड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करना कोडिंग कहलाता है, उसे डिकोड करना डिकोडिंग कहलाता है, और मिलकर के बनती है कोडिंग और डिकोडिंग। जैसे नवीन ने उससे बात की थी, वो पूरी बात कोडिंग डिकोडिंग में हुई थी। समझ रहे हो बात को? अरे हाँ या ना?
कोई भी चीज हम किसी तीसरे व्यक्ति को बिना बताए यदि बात करें, जैसा कि अक्सर कर करते हैं मैं और मेरी माँ, हम दोनों माँ बेटाओं को फारसी लैंग्वेज आती है, मुझे आती है और मेरी माँ को आती है। जब कोई अदर व्यक्ति घर पे आता है, अदर व्यक्ति समझ लो चाहे वो कितना भी हमारा निजी या खास है, और वो हमारे सामने बैठा है, हम भी बैठे हैं, और हमें कोई ऐसी बात करनी है जो उसको पता ना चले, तो हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। अलग अलग वर्ड है उसके, जैसे मैंने मान लो कोई बात है, कोई चीज हमें छिपानी है, कोई बताना नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे थान ठंगानो चुंगटिया है ना, कई वर्ड है उसके अलग अलग है ना, थान ठंगानो चुंगटिया जत्ती, उसके अलग अलग वर्ड है, जो एक वर्ड बोलने से मैं समझ जाता हूँ और वो समझ जाती है क्या बात हो रही है। तो वो जो है हमारा और लोगों के लिए क्या है, वो कोडिंग रिकॉर्डिंग है, कुछ कोड है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से बातचीत करने की वह प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है क्या कहलाती है, कोडिंग और डिकोडिंग। अब बात करते हैं सर कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, दोनों क्लियर अलग अलग समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बात की यहां कोडिंग की, कोडिंग क्या है, तो कोडिंग की यदि मैं बात करूं तो आप एक ही बात में समझ लेना कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन, अर्थविहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना क्या कहलाता है, कोडिंग। कैसे सर, जैसे मान लीजिए हम लोग कहां रह रहे हैं फिलहाल में, डीग, कहां रह रहे हैं, डीग, डी डबल ई जी, डीग। अब मान लीजिए मुझे इसके कोड तैयार करने हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग। अब डीग है, अब मैं इसके कोड कैसे तैयार कर सकता हूं, या तो मैं इनके उल्टे क्रम लिख दूं विपरीत, जैसे डी का उल्टा डब्ल्यू दूध वाला, ई का उल्टा वी ई टी वी जी टी रोड, कोई पूछे कहां जा रहा है डब्ल्यू वी वी टी, कहां जा रहा है डब्ल्यू वी वी टी, क्या उसको पता है डब्ल्यू वी टी का मतलब क्या है, ये बात आपको पता है या मुझे पता है, मैंने कोड तैयार किया, आपको पता है डब्ल्यू वी टी का मतलब किसकी बात कर रहे हैं सर, डीग की। अच्छा इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं है, तो अर्थपूर्ण डीग का अर्थ था, तो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग। जैसे और देखो, मान लो यदि मैं इन सब में, इन सब के प्लस वन कर दूं सब में, सब में, तो डी में प्लस वन करना, ई ई में एफ एफ एच, ई एफ एफ एच, किसका कोड है ये, डीग का। अर्थपूर्ण शब्द को किसमें बदल दिया, अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट मैंने मान लीजिए इनका क्रम आगे पीछे कर दिया है ना, जैसे मान लो डबल ई पहले ले लिया और पीछे ले लिया डी जी, क्रम परिवर्तन कर सकता हूं, इनमें से एक एक माइनस कर सकता हूं, मैं डी में से गया सी, ई में से गया डी, डी जी में से गया एफ, सी डी डी एफ हो गया, या फिर मैं इसके संख्या में लिख सकता हूं, डी कितने नंबर पे आएगा बोलो, चार, तो मैं लिख सकता हूं चार पांच पांच सात पैंतालीस सत्तावन। अब ये पैंतालीस सत्तावन क्या है, ये डीक का ही तो कोड है भाई, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग। और कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोडर, कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोडर। अब हमने यहां बात की सर, अर्थपूर्ण शब्द था डीग, डीग के इतने सारे कोड बना दिए, बनाए नहीं बनाए, बनाए ना भाई, उल्टा क्रम करके, एक जोड़ के, एक माइनस करके, या इनके क्रम में परिवर्तन करके, या फिर संख्यात्मक रूप में लिख करके। अच्छा वो आपकी टेंशन है, हो सकता है आप डीग कोई पर्टिकुलर नाम दे दो, पर वो यहां कोडिंग रिकॉर्डिंग में काम नहीं आएगा। आप मान लो डीग का कोड तैयार कर दो, कोई भी, जैसे पाकिस्तान कर दिया मान लो हमने, समोसा कर दिया हमने, कुछ भी कर दिया, वो कोडिंग है भाई। आप लोगों का भी तो कोई निर्धारण करता है नाम का, जैसे मैंने उत्तम का नाम रख रखा है रूपा, पहले नवीन का नाम था रूपा, फिर मेला लगा गुज्जर आया और गुज्जर नवीन को उठा ले गया, तो अब उसकी जगह कौन है, उत्तम, तो उत्तम का नाम क्या लग दिया, रूपा, कोड तैयार कर दिए। तो ऐसे अपन कोड तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चले, तो ये बात समझ में आई आपकी कोडिंग क्या है, कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोडर कहलाता है।
दोबारा सुन लो, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग। और कोडिंग करने वाला व्यक्ति, बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोडर कहलाता है। राधे कृष्णा सर जी, राधे कृष्णा गुंजन। चलिए आगे चलते हैं। गुंजन आई नहीं क्या आज पढ़ने? हाँ गुंजन चौहान नहीं है? अच्छा ठीक है, चलिए कोई अपनी। आगे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। क्लियर? कोई डाउट? अब बात करते हैं सर डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग, तो डिकोडिंग कोडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। डिकोडिंग कोडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। कोडिंग का मतलब अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है, और कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोडर कहलाता है। डिकोडिंग क्या है सर? डिकोडिंग इसका विपरीत है। कैसे? हाँ, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकोडिंग। बस एक चीज याद रखनी है, डिकोडिंग उसी नियम के आधार पर होगी जिस नियम से क्या की गई है? कोडिंग। कोडिंग कौन से नियम से हुई है? जैसे मान लीजिए आप प्लस वन किया, या क्रम परिवर्तन किया, या माइनस वन किया, या संख्या में बदला, तो वही नियम हमें लगाना पड़ेगा जिससे कोडिंग की गई है, उसी से क्या होगी? डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग। जैसे WVVT, जैसे EFFH, जैसे मान लो मैं ले लिया CDDF, जैसे मैं लिख दिया 45 57, क्या इनका कोई अर्थ है? क्या है या नहीं है? अर्थविहीन शब्द है। अर्थविहीन शब्द से किस में बदलना है? अर्थपूर्ण शब्द में। क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। कोड मतलब ये देखो, ये क्या बनाए, ये क्या है? ये है कोड। क्या है? कोड बनाना तो कहलाता है कोडिंग, और कोडों को वापस डिकोड करना, कोडों को वापस डिकोड करना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। कैसे करेंगे? जिस तरीके से कोडिंग की थी, कोडिंग हमने यहां की थी क्या? WVVT विपरीत क्रम लिखे थे, तो आप इनका उल्टा लिखो। लिख के बताओ एक बार, W का उल्टा D, दूध वाला, V का उल्टा ETV, V का उल्टा ETV, T का उल्टा G, GT रोड। क्या बन गया? वापस से आ गया डीक। मतलब अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। जैसे WVVT डीक हो गया, जैसे EFFH कैसे आया था? प्लस वन करके, तो आप माइनस वन कर दो, ई में से माइनस वन करना, DEEG डीग आ गया। जैसे CDDF क्या करा? प्लस वन किया था, माइनस वन, माइनस वन किया था, प्लस वन कर दो, उल्टा कर दो, सी का डी, ई का डी का EEG। 45 57 बोलो, चार नंबर पे क्या आएगा? डी। पांच पे, पांच पे और सात पे हो गया डीग। डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डिकोडर। डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डिकोडर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोडर। और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति? डिकोडर। अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना कोडिंग, और अर्थविहीन से वापस अर्थपूर्ण बनाना डिकोडिंग। अगर आपको कोड तैयार करने कोड, तो वो तो कहलाएगा कोडिंग, और यदि आपको उस कोड से अर्थ प्राप्त करना है तो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। बोलो कोडिंग डिकोडिंग समझ में आई? पहली बात तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है मैंने आपको बताया। यहां देखो, रिपीट करता हूं वापस, यहां पे किसी भी परिभाषा की बात की थी अपने, डेफिनेशन की, तो क्या था कि बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। उसके बाद हमने बात की कोडिंग क्या है, अर्थपूर्ण को अर्थविहीन में बदलना कोडिंग, और डिकोडिंग अर्थविहीन से वापस अर्थपूर्ण शब्द बनाना डिकोडिंग हो गया। यहां तक क्लियर? अब बात करेंगे सर कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी ये बात, कोडिंग और डिकोडिंग के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है वर्णमाला। कौन सी माला? वर्णों की माला। वर्णों की माला क्या होती है? वर्णमाला, अल्फाबेट्स, ए से लेकर कहां तक, ये मैं आपको पहले भी रिपीट करा चुका हूं, एक बार फिर से देख लो इसमें भी क्या क्या चीजें चाहिए हमें। इसमें हमें पहली चीज चाहिए स्वर,
व्यंजन और आपको अर्धांशों का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला के आपको क्रम याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए? क्रम। और वर्णमाला के आपको बच्चा विपरीत क्रम भी याद होने चाहिए। क्लियर? एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देख लो। टोटल वर्णमाला कितनी है? 26, ए से लेकर कहां तक? जेड तक। आगे अपन बात करें तो इनमें से स्वर कितने हैं? 5, ए, ई, आई, ओ और यू। कितने हो गए स्वर? 5। तो सर व्यंजन कितने हैं? 26 माइनस 5 बराबर 21 व्यंजन हैं। तो स्वर और व्यंजन हो गए। बात करें अर्धांश की तो सुनना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आई जे के एल एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर मैं इनके अंक और लिख दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम, और एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय। क्लियर है बात? ए से एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय। कुल मिला के कितने अर्धांश हैं? स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, अर्धांश हो गए। वर्णमाला के क्रम की बात करें, याद कराया था एक बार पहले भी, आज दोबारा देख लो। देखो, एक तो फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा? इजोती, ई जे ओ टी वाई, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई। या तो इससे याद कर लो, जैसे मान लो मुझे पी चाहिए, तो पी कहाँ आता है? ओ के बाद। ओ कितने पे? 15 पे। तो पी कितने पे हो गया? 16। या तो आप ऐसे याद कर लो। सर ऐसे याद नहीं होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे तो याद करवा दूं? अरे याद करवा दूं? पक्का? शुरू के तो सबको याद होंगे 3-4, ए 1 पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ऐसे याद होंगे। अच्छा लास्ट के भी सबको याद होंगे, एक्स वाई जेड, 23, 24, 25, 26। सर आज मैथ की क्लास लगेगी क्या? गुंजन मंडे से लगेगी। चलिए तो 23, 24, 25 और 26 है ना, इनकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये आगे वाले और पीछे वाले हमें याद ही हैं, रह गए बीच के। मैं आपको कंप्लीट एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, सुन लो। ए बी सी डी ई बराबर 12,345, याद ही रहते हैं। अब बात करूं मैं एफ की, किसकी बात कर रहा हूं? एफ की। एफ ऐसी लिखेंगे ना, अगर मैं इसको मिला दूं तो एफ कितने पे हो गया? 6। जी, अगर डंडा खींच दूं तो जी। ये क्या है? ऊपर मिलाओ, नीचे मिलाओ, बोलो एच। ये क्या है? यहां से मिला दिया, बोलो आई कितने पे? एफ कितने पे? 6 पे। फिक्स 6। जी कितने पे? 7 पे। एच 8 पे। आई 9 पे। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर, या फिर आईपीएल चल रहा है आजकल, तो आप कह सकते हो किंग्स 11। कौन सा 11? किंग्स 11 पंजाब की टीम है, और कौन से मैच खेलती है? T20 मैच खेलती है। किंग्स 11 पंजाब की टीम है, T20 मैच खेलती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो के बाद क्या आएगा? एल। एल मतलब लंच। लंच कितने बजे होता है? अरे लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। जो मेरा है वो है। देखो जो मेरा है वो है। एन का याद रखना 14 पे आती है। ओ यहाँ पे आ ही रहा है, ये रहा ओ इजोती में। कितने पे ओ? 15 पे। ओ कितने पे? बात करें तो 16 का कौन है? पंडित। 16 का कौन है? बोलो 17 की 18 का राजा है ना। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा। बोलो 19 के यहाँ क्यों गए? शादी करने। 19 के यहाँ क्यों गए? शादी करने। 20 तारीख को क्या हो गया?
तलाक। 16 का पंडित था, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए, 20 को क्या हो गया? तलाक। क्यों हुआ पता है? हाँ, क्योंकि रानी जो है कितने साल की है? 17 साल की, जबकि रानी कितने की होनी चाहिए? इसीलिए हुआ है तलाक। क्लियर? अच्छा, अब जब तलाक हो जाता है तो फिर पार्टी होती है, तू रूठी मैं छूटी, हाँ या ना? तो 21 को हो जाएगी पार्टी, मतलब कि उत्सव। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ गए, 20 को, 21 को, और जब उत्सव होगा तो कोई ना कोई तो मिलेगी, तो 22 को विवाह हो जाएगा। 22 को क्या हो गया? विवाह। W याद करो, W को यदि मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो 3 बनता है, ऐसे ही M को क्लॉकवाइज घुमाऊं तो भी 3 बनता है, तो 3 पे तो हो गया C, 13 पे हो गया M, तो 13 के बाद अगला 23, तो W कितने पे? X, Y, Z सबको याद होंगे, 24, 25 और, अरे हाँ या ना? क्लियर? तो ये हो गए आपके वर्णमाला के क्रम। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई? अरे आ गई क्या? अब रह गए वर्णमाला के विपरीत क्रम। वर्णमाला के विपरीत क्रम शुरू करें। देखो सिस्टर उतारना नहीं है, सपना जी वेट करो, हम आपको बता देंगे कब उतारना है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं वर्णमाला के विपरीत क्रमों की। तो ये भी याद ही करा दूं, याद करा दूं, एक बात याद रखनी है, वर्णमाला के विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है? 27। जैसे ए का उल्टा जेड 26 और 1, बी का उल्टा वाई 25 और 2, सी का उल्टा एक्स 24 और 3, डी का उल्टा डब्ल्यू 23 और 4, ई का उल्टा वी 22 और 5, ऐसे ही ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं। और विपरीत क्रमांकों का योग, विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा कितना होता है? तो आप 27 में से घटाकर भी विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे हमें चाहिए एफ का उल्टा क्या है, एफ कितने पे आता है? 6 पे। 27 में से 6 घटाओ 21, और 21 पे क्या आ जाएगा? यू, अभी बताया था यू, ये रहा एफ का उल्टा क्या हो गया? यू। क्लियर है? एक बार मैं आपको याद कराता हूं, देखो डायरेक्ट आपको 13 वर्ड मीनिंग याद रखनी है। जैसे A2 A का उल्टा तो A2, B का उल्टा Y तो अपन कह देंगे बॉय, B का उल्टा Y बॉय, C का उल्टा देखते रहो, C का उल्टा तो कह दूं CRUX क्रक्स, D का उल्टा W तो दूध वाला कह दूं क्या इसे? दूध वाला। E का उल्टा V तो ETV कह दूं, E का उल्टा V ETV। F का उल्टा U तो FATHER फादर, UNCLE अंकल, फादर और uncle. F का उल्टा U फादर और uncle. G का उल्टा T तो कह दूं फिर GT रोड, कौन सा रोड? GT रोड। GT रोड के बाद करूं H के, H का उल्टा S, क्या लिख दूं? हनी, आप हनी सिंह कह लो, आप हाई सोनिया कह लो, आप हायर सेकेंडरी कह लो, कुछ भी कह लो, याद करना है। क्या करना है? याद। तो A2Z बॉय क्रक्स दूध वाला, ETV फादर अंकल, GT रोड हनी सिंह। हनी सिंह के बाद I का उल्टा R तो लिख दूं क्या? इंडियन रेलवे। अरे लिख दूं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बाद J का उल्टा Q मतलब जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन, और जयपुर क्वीन के बाद काला है पानी। काला क्या है? पानी। और काले पानी के बाद 12 LO मतलब कि लव। अब बात वही आ गई नवीन, लव में कितने लोगों की जरूरत होती है? 2। अब 2 क्यों होती है? देखो LOVE, एक तो हो गया L और O, देखो L का अपोजिट O, O का अपोजिट L, तो एक तो हो गया L और O, एक हो गया V का उल्टा E और E का उल्टा V, देखो E का उल्टा V, ETV लिखा था और V का उल्टा E, तो कितने हो गए? 2। तो LOVE। और लास्ट रह गया 13वां, लिख दूं मन, M का उल्टा N, मन। तो देखो A2 बॉय क्रक्स दूध, E फादर कहां गए?
कौन मिला? किसमें यात्रा की? इंडियन रेलवे में यात्रा करके किससे मिले? और जयपुर की रानी से मिलते ही सजा हो गई और काले पानी की सजा हुई क्योंकि उन्होंने और लव क्यों किया? क्योंकि उनका भुगतो, हम थोड़ी भुगतेंगे। तो यहां तक की बातें क्लियर? ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? क्लियर। अब अपन बात करें सर कितने प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, मतलब पूरा टॉपिक समझा रहा हूं मैं आज, लिखना कुछ नहीं है। कोडिंग रिकोडिंग क्या है, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको जो आनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कोडिंग रिकोडिंग की, तो सर इसमें पहली जो टाइप आएगी, टाइप फर्स्ट, वो आती है अक्षर कोडिंग। कौन सी कोडिंग? अक्षर कोडिंग। इसमें क्या होता है, सुन लीजिए, इसमें होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में दिया जाता है। इसके बाद आती है बेटा टाइप टू, प्रकार दो, जिसको हम कहेंगे संख्या कोडिंग। कौन सी कोडिंग? लेटर टू नंबर, संख्या, अक्षर का कोड संख्या के रूप में दिया जाता है। फिर आएगी टाइप थर्ड, प्रकार तीन, वाक्य ओब्लिक मिश्रित कोडिंग। वाक्य ओब्लिक मिश्रित कोडिंग, इसको अपन बोलेंगे सेंटेंस टू सेंटेंस, वाक्य का कोड वाक्य के रूप में दिया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे टाइप फोर, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग मतलब कि वर्ड, शब्द का कोड शब्द के रूप में। दोबारा सुन लो, पहली टाइप अक्षर कोडिंग लेटर टू लेटर, दूसरी टाइप संख्या कोडिंग लेटर टू नंबर, तीसरी टाइप वाक्य ऑब्लिक मिश्रित कोडिंग सेंटेंस टू सेंटेंस, चौथी टाइप आएगी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग मतलब वर्ड टू वर्ड, शब्द का कोड शब्द के रूप में दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप फाइव, प्रकार पांच, और प्रकार पांच में पढ़ेंगे सर हम प्रतीक कोडिंग। कौन सी कोडिंग? प्रतीक कोडिंग, जिसमें आएगा लेटर टू साइन, अक्षर का कोड चिन्ह के रूप में आएगा, है ना, प्रतीक कोडिंग। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे टाइप सिक्स, प्रकार छह, कौन सी? विविध। कौन सी पढ़ेंगे? विविध। और जब ये सब पढ़ लेंगे तो टॉपिक हो जाएगा द। तो भैया कैसी लगी मूवी एक बार जरूर बताना, अच्छी लगी? चलो यहां आकर के टॉपिक का हो जाएगा हमारे का क्या, समापन। टॉप, हाँ जी, इतनी सी बात ले, हाँ सर जी, अच्छा ठीक है। चलिए कोडिंग रिकोडिंग स्टार्टिंग की थी, है ना, कोडिंग रिकोडिंग हिंदी में इतने सारे नाम है। बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, कोडिंग रिकोडिंग कहलाती है। ठीक है, कोडिंग क्या है समझाई, अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना क्या कहलाता है? कोडिंग। और अर्थविहीन को अर्थपूर्ण में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। फिर वर्णमालाएं आवश्यक हैं, ये आपको बताई दी है। इसके अलावा बात करें, ये छह प्रकार की टाइप है, कितनी टाइप है? और बीएसटीसी पीटीईटी में कम से कम तीन प्रश्न तनामती है, 9 नंबर, आप कम से कम 9 नंबर या 12 नंबर का इस टॉपिक को मान के चले बीएसटीसी वाले। ठीक है, चलो तो फिर आगे की बात करेंगे कल।